जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सड़कों पर घमासान मच ही रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट बम के जरिए वार पलटवार भी जोरदार है। अक्सर अपने भोजपुरिया लोक गीतों के जरिए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने वाली गा बा फेम नेहा सिंह राठौर ने तो सोशल मीडिया पर अलग ही मोर्चा खोल रखा है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर नेहा ने बीजेपी के भोजपुरी स्टार्स पर तो हमला बोला ही है, साथ ही बीजेपी को भी इशारों इशारों में लपेट लिया है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पुराने गानों को एक्स पर शेयर कर तंज कसने वाली नेहा राठौर ने अब भोजपुरिया पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ भी हमला बोल दिया है। आसनसोल सीट पर हार के बाद बीजेपी ने जब एसएस आहलूवालिया का नाम फाइनल कर दिया तो बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने भी पवन सिंह को घेर लिया और उनके पुराने गानों के वीडियो शेयर कर जमकर आड़े हाथों लिया। इशारों इशारों में पहले मनोज तिवारी पर तंज कसा, फिर पवन सिंह को लपेटा। नेहा ने लिखा कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले तो बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंच चुके हैं, अब लहंगा में गोली मारने वाले संसद पहुंचने की तैयारी में है। भूतपूर्व भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। महिलाएं अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। यही नहीं, नेहा ने पवन सिंह का एक गाना शेयर करते हुए दोबारा पोस्ट का बम फोड़ा और लिखा, जमाना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा कि गुरु मंत्र से चल रहा है। ऐसे में लाखों लोगों के भैया जी और मिलियंस व्यूज पाने वाले बाहुबली स्टार और रोल मॉडल संसद जाने को तैयार बैठे हैं। राम जाने उन्होंने भाजपा का टिकट वापस क्यों कर दिया, जबकि इनके जैसों के लिए तो एकदम मुफीद पार्टी है भाजपा। खैर, महिलाओं के सम्मान में नए धुरंधर मैदान में आ चुके हैं। महिलाएं अब अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। बता दें कि नेहा सिंह राठौर अपने बेबाक बयानों और कविताओं के लिए जानी जाती हैं। और चुनावी साल में नेहा ने भोजपुरी गायकों के अश्लील गानों को लेकर मानो सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि सियासी गलियारों में इसकी भी चर्चा है कि नेहा इन गानों के बहाने बीजेपी को निशाने पर इसलिए ले रही हैं ताकि किसी विपक्षी सियासी दल की नज़र उन पर पड़ जाए और उनका भी सियासी पारा शुरू हो सके। हालांकि इन चर्चा में कितनी सच्चाई है इसका तो कोई पता नहीं है। बहरहाल, भोजपुरी गानों को लेकर बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले रही नेहा सिंह राठौर के इन सोशल वॉर को लेकर आपका क्या कहना है, ये हमें जरूर बताइए। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।